कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी का ऐलान, हम विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या स्पीकर उन्हें चुनौती दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मंगलवार तक कर्नाटक में जहां है जैसा है वाली स्थिति बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की स्पीकर को सख्त हिदायत, मंगलवार तक विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा सकते। स्पीकर के पक्ष में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, फैसले से पहले स्पीकर कारण को लेकर संतुष्ट होना चाहते हैं। कर्नाटक में 10 एमएलए के इस्तीफे का मसला, स्वामी सरकार पर सवाल। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस के बागी विधायकों और कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। अब मामले में उसी दिन अगली सुनवाई होगी। कांग्रेस ने बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए स्पीकर के पास याचिका दी है। इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने उसी दिन स्पीकर को इस्तीफों पर फैसला लेने को कहा था। इस बीच कर्नाटक विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया। आज लगभग एक घंटे के लिए हमको और दूसरे पक्ष को माननीय उच्च न्यायाधीश के कोर्ट ने, कोर्ट नंबर एक ने सुना। विस्तृत विचार हुआ अनेक अलग अलग मुद्दों पे। मुख्य रूप से 5-6 बिंदु हमने रखे, जिसका बहुत संतोषजनक अभी विकल्प निकला है आज, और बाकी सुनवाई मंगलवार को होगी। अभी मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा मेरिट्स पे, क्योंकि मामला चल रहा है। अब तो वहाँ मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, स्पीकर भी पहुंचे हैं, अब वो राजीनामा। हमारा ये मानना है कि जो एंटी डिफेक्शन कानून है उसको किसी कितनी आसानी से विधायक या सांसद जो है वो पार कर जाते हैं, और हॉर्स ट्रेडिंग और रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है, प्राइस टैग लग गए हैं विधायकों पर और सांसदों पर। उनको इस बात का आत्मचिंतन करना चाहिए कि कौन सी ऐसी उनकी नीतियां, कौन सी ऐसी वजह रही है जिसकी वजह से कि आज देश की जनता ने तो उनको छोड़ ही दिया, उनकी पार्टी के लोग भी उनको छोड़ करके भाग रहे हैं। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से लग जाए, तो अब कोशिश हो रही है हेरा फेरी करने की, उसमें भी सफलता तो मिलेगी नहीं। कर्नाटक के कांग्रेस और जेडीएस के बागी 10 विधायक मुंबई के रेनेजेंस होटल में फिर से लौट आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन विधायकों ने विधायक पद से फिर इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक का सियासी संकट और गहरा गया है। कर्नाटक के बागी कांग्रेस और जेडीएस विधायक फिर एक बार मुंबई आ पहुंचे हैं। मुंबई के पॉश पवई इलाके के रेनेजेंस होटल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन जो विधायक हैं, बागी विधायक, इन्होंने कर्नाटक जाकर स्पीकर को फिर से एक बार अपने इस्तीफे सौंपे हैं। और साफ है कि अब इनके इस्तीफों पर फैसले के बाद ही शायद ये तय हो पाएगा कि कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार बचेगी या जाएगी।